वेलकम फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल। बहुत दिनों के बाद आज फिर से ब्लॉग बनाने का मौका मिला, तो आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दुगु को मिला उसका दिवाली का गिफ्ट, छोटा सा प्यारा सा उसका मौसी ने उसको दिया। कितना प्यारा है ना, आजा आजा आजा, हाँ हाँ, देखिए दोस्तों कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, इसका कलर भी कितना प्यारा है, और इसको भी इतना डर नहीं लगता, हमेशा साथ 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 रहता है, घूमता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, पैरों के साथ यहाँ वहाँ हाथ वाथ में चढ़ जाता है। तो दोस्तों इसको रख देते हैं, इसको खेलने देते हैं अभी, लेकिन देखिए ये फिर से आ जाएगा पाव की तरफ। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो आज बनाएंगे हम व्हाइट पम्पकिन के साथ चिकन। तो रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है, हम जैसे चिकन के साथ आलू बनाते हैं, तो आज आलू को रिप्लेस कर देंगे हम व्हाइट पम्पकिन के साथ। तो दोस्तों पहले इसका छिलका धीरे धीरे से निकाल लेंगे, इसके बाद इसका छोटा छोटा पीस बनाएंगे, जैसे आलू का बनाते हैं वैसे। आलू काटने के बाद हम हाफ हाफ पीस लेते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं, लेकिन ये जो व्हाइट पम्पकिन है वो उससे भी छोटा साइज में हम इसको काटेंगे, और उसके बीच में जो इसके सीड्स है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही हार्ड होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कितने छोटे छोटे पीस करके इसके काटे हैं। अभी इसको डायरेक्ट कढ़ाई में चढ़ाएंगे, इसके बाद प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, सारे मसाले और चिकन को एक साथ अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो दोस्तों आज तो दिवाली है, फिर भी मैं चिकन बना रहा हूँ आज, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, ऑफिस भी जाना पड़ता है, घर पे आके दुग्गू को भी देखना पड़ता है। तो इस बार लंबा छुट्टी मिला है, 3 दिन का छुट्टी दिवाली की वजह से, और सेकंड सैटरडे संडे भी है, तो सोचा कि कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए, और कुछ अच्छा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं इसमें एक चम्मच करके सारे मसाले ऐड कर रहा हूँ, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मैं मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रख दूंगा। तो दोस्तों मसाले को अगर अच्छी तरह से मिक्स करना है तो हाथ इज़ द बेस्ट, क्योंकि हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स हो सकता है, ये करछी वर्ची से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप लोगों को टाइम अगर सेव करना है तो डायरेक्टली आप हाथ से ही इसको मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था, अभी इसको ओवन में चलाएंगे और इसे कम आँच में 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। हमारे घर पे एक लंकेश्वर है, उसको देख के आते हैं क्या कर रहा है। और ये देखिए हमारे घर के लंकेश्वर, इतना बड़ा बैम्बू ले लिया दादाजी को मारने के लिए है। क्या हुआ पापा, क्या हुआ, आओ आओ आओ। तो दोस्तों 20 मिनट जैसा हो चुका है, अब देख सकते हो आप लोग चिकन मेरा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, और जो व्हाइट पम्पकिन था वो भी लगभग पक चुका है। तो इसे फिर हम 15 मिनट के लिए फिर ढककर बनाएंगे। तो दोस्तों 15 मिनट के बाद देखिए बहुत ही अच्छा सेंट आ चुका है, और मेरा चिकन और व्हाइट पम्पकिन जो है बढ़िया तरीके से पक चुका है। थोड़ा सा ग्रेवी के लिए हम अभी पानी डालेंगे, इसके बाद चिकन जो है फुल तैयार। और इसमें मैं इतना ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है थोड़ा सा ड्राई ड्राई चाहिए, ज़्यादा पतला होने से खाने में भी इतना मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों चिकन हो चुका है तैयार, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड किया है। तो ये देख सकते हो कितना ड्राई ड्राई सा बना है। और आज के लिए तो फिर दोस्तों रेसिपी यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा चिकन बहुत ही बढ़िया, कलर भी बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल।